ऊपर जरा ऊपर से अंदर मार पूरा जोर से एकदम अंदर मत मारो पानी फटाफट दो चार बाल्टी पतरा काटे हैं पतरा काटे हैं चलो बुझ गया वो। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। सो इस समय हमारे साथ मौजूद है वंचित बहुजन अघाड़ी के वसई विरार अध्यक्ष प्रवीण जी गायकवाड़ और उनकी कार्यकारिणी के कुछ लोग यहाँ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। अभी हाल ही में दो दिन पहले रात को 3 बजे वंचित बहुजन अघाड़ी के नाला सपारा आचोले रोड स्थित अलकापुरी के कार्यालय को बदमाशों द्वारा आग लगा दी गई थी। उस मामले में क्या नई अपडेट है, नई जानकारी है, इनसे जानेंगे। इसी अलकापुरी वाले ऑफिस की मैं खबर पहले लगा चुका हूं और उसमें कुछ खुलासे किए थे। बाकी का अभी कुछ है, इसमें आरोपी की धरपकड़ हुई है, ये उसकी पूरी जानकारी अभी प्रवीण जी गायकवाड़ देंगे। तो सर बताइए, अलकापुरी में जो आगजनी की घटना हुई है उसमें क्या अपडेट है? अलकापुरी में जो आग लगी थी वो वैसे ही हमको जब पता चला कि आग लगी है उस हिसाब से हम लोग उधर स्पॉट पे गए, पंचनामा किया, फिर उस तहकीकात शुरू किया। तहकीकात में ऐसा मालूम आया कि दो बच्चे लोगों ने वहाँ पर अंगार लगाया करके, फिर मेरी टीम और मैं जाकर वहाँ पर तफ्तीश किया, फिर दो लोगों को हमने 12 घंटे में उसको पकड़ा, उसको अरेस्ट किया और एक आरोपी और पकड़ना बाकी है। सर, पुलिस स्टेशन खुलने के बाद में पहली घटना और उसमें आपने बहुत जल्दी इस तरह से आरोपी को पकड़ के कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश पब्लिक को दिया है, तो क्या आगे क्या समझे कि इस तरह से पुलिस जो है लगातार पब्लिक के लिए खड़ी रहेगी? ज़रूर ज़रूर अच्छा काम करती रहेगी और ऐसे ही नाम कमाती रहेगी। थैंक यू सर। प्रवीण जी बताइए, परसों जो मामला हुआ मैडम रेणुका मैडम के कार्यालय के उस पर आगजनी हुई, वो क्या मामला था, उसमें क्या प्रॉब्लम? 5 अक्टूबर के सुबह 2:45 से 3 के बीच में हमारे अलकापुरी स्थित वंचित बहुजन के कार्यालय में, जो कार्यालय वहाँ पे हमारे वार्ड अध्यक्ष सचिन यादव जी है और उनकी पत्नी सौ रेणुका यादव जी है, जो हमारे पार्टी के कार्यालय वहाँ पे चला रही थी। कई दिनों से पार्टी का काम बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे चल रहा था। अचानक से ये चीज़ होने के बाद रात में कुछ अज्ञात लोगों ने वहाँ पे उस पार्टी का दफ्तर के ऊपर का पत्रा तोड़ के अंदर पेट्रोल से वो आग लगाई थी। तुरंत रेणुका यादव जी के वो जब चीज़ ध्यान में आई, आजू बाजू के लोग वहाँ पे जमा हो गए, जग गए, क्योंकि आग बहुत बड़े पैमाने में बढ़ने वाली थी और आजू बाजू कुछ झोपड़ियाँ भी थी। आजू बाजू के लोगों ने उस आग को बुझाया। बुझाने के बाद रेणुका यादव मैडम को उन्होंने बताया कि मैडम आपके ऑफिस में आगजनी की गई है। रेणुका यादव मैडम वहाँ पे पहुँचे, तब तक एक वहाँ पे विटनेस था, उन्होंने बताया कि कुछ 2-3 लड़के मैंने भागते हुए देखे। उस बियाद पे रेणुका यादव जी ने दूसरे दिन उनके खिलाफ, अज्ञात आरोपी के खिलाफ तफ्तीश आचोला पुलिस स्टेशन में दी। आचोला पुलिस विभाग के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है आदरणीय चंद्रकांत जी सरोदे साहब, इन्होंने बहुत तेज गति से उस चीज़ पे तफ्तीश करते हुए, उनकी टीम थी उसमें हमारे PSI थोरा साहब थे और नागरे साहब थे, इन्होंने इंट्रोगेशन करते हुए तुरंत 12 घंटे के भीतर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और दोनों भी आरोपी जो है वो अंडरेज होने के कारण उसमें और भी तफ्तीश करना बाकी है और उसमें एक जो आरोपी है वो अब तक फरार है। हमने पुलिस से विनंती की है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से तपास किया, इसलिए हम लोग आपसे, आपने जो काम किया है उसकी हम ज़रूर तारीफ करेंगे और आप हम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो घटना बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली थी, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर महाराष्ट्र से आने वाले थे, उनको हमने बोला कि नहीं, पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से इस तपास को किया है, आगे बढ़ाया है और उन्होंने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ा भी है, तब जाके इस नालासोपारा में कहीं शांतिपूर्ण माहौल पैदा हुआ। इसलिए मैं
आदरणीय जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सौदे साहब है, इनका मैं अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और जल्दी से जल्दी इसमें उन लोगों ने किस वजह से वो सब हरकत किए वो जल्दी से जल्दी प्रकाश में सामने आए, इसके हमने उनको विनंती की। रेणुका मैडम बताइए, उस रात जो घटना हुई वो क्या थी और कैसे कुछ हुआ? उस दिन रात को मुझे एक्चुअली 3:10 में कॉल आया, हमारे सामने वाली बिल्डिंग के कोई बंदे काम पे जा रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरे ऑफिस में से धुएं आ रहे। तो जो बाजू में जो डेयरी वाला है उसने भी फ़ोन किया, मेरे फ्रेंड ने भी फ़ोन किया कि बाबा यहाँ से धुएं बहुत आ रहे। तब तक का जो रिक्शा वाला था और बाजू वाले थे उन लोगों ने तब तक का गाला तोड़ के आग बुझा दिया था, लेकिन एक सामने वाला जो बंदा था अंकल थे उनको क्लियर ने नहीं दिखाई दिया था, लेकिन मेरे पतरे पे 3 जन चढ़ के वो लोग पतरा तोड़ दिए थे, ऊपर से घासलेट बिस्तर डाल दिया था, आग लगा दिए थे और वो निकल रहे थे। वो टाइम पे वो अंकल ने देख लिया था। तो ये कौन लोग थे, इनका क्या मकसद था? तो वो लोग सब सर वहाँ पे छोटे बच्चे ही है, नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग सब नशेड़े है, सब नशा करते हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि नशेड़ी है और वो उसी नशे की हालत में उसमें शायद हो सकता है सर, सब लोग नशे के नाम में भी किए रहेंगे, कुछ मेरे से बदला रहेगा या मेरे से गुस्सा रहेगा उन लोगों ने। सर हमारे एरिया में कैसा है, मैं सच के लिए आवाज़ उठाती हूँ, किसी को बर्दाश्त नहीं होता है कि ये इतना क्यों बोलती है, इतना क्यों आगे करती है, शायद उसके लिए। अभी आगे अभी क्या मांग? आगे वैसे ही जैसे काम करते आ रहे थे वैसे ही काम करते रहने का, FIR तो किया है, जो गलत है वो पकड़े गए जाएंगे। और भी है जो 5-6 जन बोल रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं है। जो चंद्रकांत सर ने बोला है कि हम लोग हमारी कोशिश कर रहे हैं मैडम, और ऊपर तक का केस गया है, DCP तक का भी हम लोगों को कॉल आया था कि बाबा हम लोग कर रहे घर के कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि जो जितने जल्दी से वो केस क्लोज हो जावे और वो लोग पकड़े जावे जो एक जन फरार है। हमने बात की अभी प्रवीण जी गायकवाड़ से और रेणुका जाधव जी से, तो इन्होंने जिस तरह से बताया कि उस दिन क्या हुआ और क्या हालात हुए, रात को 3 बजे एक कार्यालय को आग लगा दी गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी से काम करते हुए आरोपियों को पकड़ा भी है, और जिसके लिए वंचित भगत नागाड़ी ने आज उनका PI साहब का एक सम्मान भी किया है गुलदस्ता भेंट देकर, वो चीज़ अपनी जगह है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ऐसी भी सामने आई है कि सिर्फ ये अलकापुरी क्षेत्र ही नहीं है, नालासोपारा के कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर चरसी और नशेड़ी गंजेड़ी लोगों का काफ़ी जमावड़ा है। और हाल ही में पुलिस विभाग जो है उसने एक मुहिम छेड़ी हुई है नशा मुक्त महाराष्ट्र की, उस मुहिम के तहत आचोले पुलिस स्टेशन से ये एक खास विनती करना चाहेंगे कि आपका नया पुलिस स्टेशन है, आप अपनी इस मुहिम को ज़्यादा तेज़ कीजिए ताकि जो नई पीढ़ी है और नशे के अंदर धकेल दी जा रही है वो पीढ़ी बच पाए, नशा से मुक्ति मिले। वहीं अगर नशा नहीं होगा तो अपने आप अपराध भी कम होंगे। जो अपराध की जड़ है वो है नशा, तो अपराध की जड़ को मिटा दिया जाएगा तो अपराध ऑटोमेटिक मिटेंगे। आज के लिए इतना ही, नाला से पारा आचोले से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।